नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में सांबर लेक एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहाँ सरकार के खिलाफ एसडीएम राजकुमार कस्वा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता के सामने एक नारा दिया था, अब होगा न्याय। लेकिन आज 20 माह गुजर जाने के बाद भी आमजन के साथ न्याय नहीं हो रहा और सरकार हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के राज्य में किसान बेहाल है तो युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लगातार राजस्थान में सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ा रही है, वहीं अपराधों में लगातार ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्दी समस्याओं का समाधान की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। और बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को हमने धरने की जगह केवल ज्ञापन के रूप में आज ये कार्यक्रम पूरा किया। इसमें प्रमुख मांगे एक तो बिजली के बिलों के बारे में थी, सरकार लगातार झटके दे रही है। खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहे, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, डीजल पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार ने लगा रखा है। इसी के साथ जो प्रमुख मांगे हमारी जो थी आम जन से जुड़ी हुई, कोरोना काल में जो लोग परेशान हैं, सरकार को जगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया कि सरकार जागे और अपना काम करे, राज धर्म निगाह के कर्तव्य से अपना भागे नहीं। इसलिए हम लोगों ने आज ये सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए और कम संख्या में सरकार को चेताने का काम हमने किया। इस खबर बस इतना ही। दिखता रहिए न्यूज 19। नमस्कार।